नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक पाठ वृत्त की प्रश्नावली 10.2 करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें 10.2 में पहला प्रश्न है, पहला और दूसरा बहुविकल्पी है। तो इसमें लिखा है, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग पहले बनाते चलते हैं। तो एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बना लिया। फिर बोलता है बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। देखिए, ये स्पर्श रेखा खींच दिया है Q बिंदु से, ठीक है ना। Q बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। फिर लिखा है क्यू की केंद्र से दूरी, तो वृत्त का केंद्र ये रहा, इसकी दूरी कितनी दी है 25 सेंटीमीटर। तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ये त्रिज्या ज्ञात करना है हमको। ओ पी पी डाल देते हैं यहाँ पर। तो देखिए, इसमें होता है, देखिए ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा, मतलब ये समकोण होगा, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है इसको हम आगे भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे पूरी स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर है ना, वृत्त को स्पर्श रेखा जहाँ पर टच करती है उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है वहाँ पर वो लंब होती है, मतलब ये वाली स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर लंब होगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको लिख लेते हैं, तो लिखते हैं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। इसका मतलब OP लंब PQ हुआ, ठीक ना। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, OPQ बराबर 90 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार OPQ एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो दो भुजा अगर दी हो, एक भुजा ये दी है, एक भुजा ये, इस त्रिभुज की ये भुजा हमको ज्ञात करनी है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय में होगा कर्ण का वर्ग ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक ना। ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग ये लंब और आधार के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। अब ओ क्यू कितना है 25, तो 25 का वर्ग कर लेते हैं, बराबर ओ पी हमको ज्ञात करना है, यही वृत्त की त्रिज्या है, और ओ क्यू 24 दे रखा है, ठीक ना। तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 बराबर ओ पी स्क्वायर और 24 का 576, ठीक ना। तो इसको इधर पक्षांतर करके माइनस कर लेते हैं, तो 625 माइनस 576 बराबर ओ पी स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो ये 49 आ जाएगा, ठीक ना। 76 मतलब 24 यहाँ से, 25 यहाँ से 49 हो गया, बराबर ओ पी स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर बराबर 49, और ओ पी बराबर ये वर्ग है तो इस पर जाएगा तो वर्गमूल बनेगा, तो हो गया 49। तो ओ पी का मान कितना आया 7। तो अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी प्राप्त हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसमें जो भी विकल्प है 7 सेंटीमीटर का, इसमें पहला विकल्प ही है 7 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार इसका ये विकल्प वाला सत्य हो जाएगा, ठीक ना।
अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दो में भी लिखा है, आकृति बनाया हुआ है, तो इसको पहले आकृति बना लेते हैं। तो प्रश्न नंबर दो के लिए ये आकृति है, यहाँ बना लेते हैं। एक वृत्त बनाया गया है और वृत्त के बाहर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक ना। और इस पर दिया है केंद्र से, ये रहा, ये P हो गया P O और ये हो गया Q, ठीक ना। ये 110 डिग्री दिया हुआ है, 110 डिग्री। और बोलता है यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, देखिए ये स्पर्श रेखा है, ये इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री हो तो PTQ ज्ञात करिए। तो हमको निकालना है एंगल PTQ बराबर हमको ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो इसमें विकल्प भी दे रखा है, इसमें विकल्प भी देख लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर हम। देखिए पहला विकल्प है 60 डिग्री, दूसरा विकल्प है 70 डिग्री और सी तीसरा विकल्प 80 और डी में है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए इसमें देखते हैं, देखिए इसमें भी जैसे लिखा था लिख लेते हैं, आप पहले लिखते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली वाली त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है, ठीक ना। जैसे ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, इसी प्रकार ये त्रिज्या है और वो स्पर्श रेखा है तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक ना। तो हमको 90, 110 और 90 तो प्राप्त हो गया, पी टी क्यू ज्ञात करना, बस पी टी क्यू ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो लिखते हैं ओ पी लंब पी टी एवं ओ क्यू लंब क्यू टी, है ना, लंब होती है तो लंब लिख लिया। अब कोण देखते हैं, इसमें देखिए ओ पी टी बराबर 90 डिग्री एवं एंगल ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री हो गया, ठीक ना। अब देखिए चतुर्भुज दिख रहा है पी टी क्यू ओ, ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज में अगर तीन कोण प्राप्त हैं पता है हमको तो चौथा कोण प्राप्त हो जाएगा। इन तीनों को जोड़कर 360 में घटा देंगे तो हमको जो कोण ज्ञात करना है वो ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में, सभी कोण लिख लेते हैं, तो लिखते हैं एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के यहाँ लिखिए चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक ना। ये लिख लिया। अब पी ओ क्यू कितना दिया है 110, ओ पी टी देखिए 90 डिग्री आ गया है और ये हमको पी टी क्यू ज्ञात करना है और ये भी 90 डिग्री है बराबर 360 लिख लिया। अब इनको हम जोड़ लेते हैं तो ये 90 200 290 हो गया, ये हो गया 290 प्लस पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। अब 290 को पक्षांतर कर लेते हैं दाई तरफ तो पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290 तो पी टी क्यू प्राप्त हो गया हमको, ये हो गया 70 डिग्री, ठीक ना।
तो इस प्रकार पी टी क्यू का मान 70 डिग्री आ गया। तो प्रश्न नंबर दो हो गया। अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। इसमें देखिए विकल्प 70 डिग्री वाला ही रहा होगा, ठीक ना। तो विकल्प कौन सा था? बी वाला था, 70 डिग्री, ठीक ना। तो ये बी विकल्प सही हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीन में लिखा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों तो POA बराबर है। देखिए जैसे बोला है वैसे वृत्त बना लेते हैं। एक एक वृत्त ये रहा, ये रहा, और O केंद्र वाला बोला तो O केंद्र का लगा लिया, और किसी बाह्य बिंदु से तो बिंदु P बाहर ले लिया। यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और इस पर ये हो गया A और ये हो गया B, और देखिए दोनों झुकी हुई हैं। ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा की मतलब बीच में ये 80 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक ना। तो इसको मिला लेते हैं। देखिए ये मिलाया और इसको ऐसे मिलाया, ठीक ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है इसमें? पी ओ ए, पी ओ ऐसे मिला लेते हैं फिर, तो ये पी ओ ए हमको ये वाला ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे? पहले ये देखिए 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री होता है, इस त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, जैसे पिछले के दो क्वेश्चन में किया हमने। तो देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना, इसी प्रकार ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चतुर्भुज है, ये ए पी बी ओ में ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में एक दो तीन, तीन कोण हमको पता है, तो चौथा कोण 360 मिनट को जोड़ के घटा लेंगे तो पूरा कोण पता प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ तक हम पहले कर लेते हैं फिर इसके आगे देखेंगे। लिखते हैं प्रश्न नंबर तीन है, ये लिखेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है, ठीक ना। तो इसलिए हो जाएगा ये देखिए ओ ए लंब ए पी, ठीक ना, ये इस पर लंब है। इसी प्रकार ये वाला इस लाइन पर, इस स्पर्श रेखा पर लंब है, एवं ओ बी लंब पी बी, ठीक ना। तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा, ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, एवं एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री, ठीक ना। अब चतुर्भुज ले लेते हैं, तो लिखते हैं चतुर्भुज ए पी बी ओ में, लिखते हैं चतुर्भुज के, चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। तो सभी को, सभी कोणों को लिखकर बराबर 360 लिख लेते हैं। तो लिखते हैं एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री, है ना। सभी कोण एक, इसको 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 और इसको लिख लिया, और जो जो मान दिया इसको लिख लेते हैं। ओ ए पी हमने निकाला 90 डिग्री है, ए पी बी कितना है, ए पी बी 80 डिग्री दिया हुआ था, और ओ पी बी 90 डिग्री है, और एंगल ए ओ बी कितना हो गया बराबर 360। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 × 8 16, अतिरिक्त 24, 25, 26, ये हो गया 260 प्लस एंगल ए ओ बी बराबर ये हो गया 360, ठीक ना। 360 को दाईं तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो एंगल ए ओ बी बराबर 360 माइनस 260, तो ये आया ए ओ बी बराबर 100 डिग्री,
ठीक ना, ये 100 डिग्री, ये देखिए पूरा आ गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा 100 डिग्री आ गया। अब देखें ये त्रिभुज ले लेते हैं, और ये त्रिभुज ए पी ओ, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, और बी पी ओ, ये दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांगसम प्रूव कर लेंगे, तो सर्वांगसम है तो ये पूरा कोण, ये वाला कोण, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक ना, संगत कोण बराबर होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज में, ठीक ना। तो ये देखिए 90 90 तो है ही, तो ये हमको बराबर कर लेंगे तो ये पूरा 100 है, तो आधा हो जाएगा, है ना। इस प्रकार ये 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज ले लेते हैं, लिखते हैं ओ ए पी एवं त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक ना, इन दोनों त्रिभुज को ले लिया। तो देखिए इसमें क्या है, ए पी बराबर बी पी, ठीक ना, ये क्यों बराबर होगा इसके, देखिए त्रिभुज वृत्त के, देखिए वृत्त है ये, वृत्त के बाह्य बिंदु, किसी भी बाह्य बिंदु से अगर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक ना, इसलिए ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। तो लिखते हैं बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, है ना, इतना लिख दिया। तो स्पर्श रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये दोनों बराबर, क्योंकि ये प्रमेय होता है, ये प्रमेय है। अब देखिए ओपी, ये ओपी इस त्रिभुज में भी है, ओपी इस त्रिभुज में भी है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ, ओपी बराबर ओपी, ये हो गया उभयनिष्ठ, ठीक ना। और इस त्रिभुज में OA और इस त्रिभुज में OB, देखिए एक ही वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर होंगी। लिखते हैं OA बराबर OB, लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए यस 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 से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी में, क्यों हुआ, यस 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 सर्वांग समता नियम से, ठीक ना। तो अगर ये बराबर हो गया तो इसके संगत कोण, संगत भुजाएं तो हमने बराबर कर ही लिया है, इसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो उसको लिख लेते हैं, देखिए यहीं पर लिख लेते हैं बस, तुरंत आंसर ही आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, इसके नीचे लिखना है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज का एंगल ए ओ पी, ये वाला त्रिभुज, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ पी बराबर एंगल बी ओ पी, ये वाला दोनों आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे बी ओ पी, क्यों हो जाएगा, सी पी सी टी, ठीक ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो ये हो गया। अब देखिए हमको ये क्या दिया हुआ है, देखिए ए ओ बी निकाला है 100 डिग्री, ए ओ बी पूरा 100 डिग्री है, और ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो हमको जो भी मान ज्ञात करना होगा निकाल लेंगे, इसका आधा हो जाएगा, दोनों आधे आधे हो जाएंगे। क्या ज्ञात करना था, पी ओ ए, तो लिखेंगे एंगल पी ओ ए बराबर, देखिए इसमें ए ओ पी लिखा है, यहाँ पी ओ लिखना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो दिया उसी हिसाब से लिख लेते हैं, पी ओ ए बराबर पी ओ बी, ठीक ना, तो एक जैसा दिखाई देगा। तो पी ओ क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल ए ओ बी, ठीक ना, आधा आधा हो जाएंगे लोग, हाफ गुणे 100 डिग्री दिया हुआ है ए ओ बी, आधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। इस प्रकार एंगल पी ओ ए क्या प्राप्त हुआ, 50 डिग्री। तो देखिए इसमें बहुविकल्पी को प्रश्न प्रकार का था, तो ये ए विकल्प हो गया, ठीक ना, ये ए विकल्प हो गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में है, देखिए लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गए स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए एक वृत्त खींच लेते हैं हम यहाँ पर,
ठीक ना, और इसका एक व्यास खींच लेते हैं, ये व्यास खींच लिया ए, ये बी, और केंद्र पर यहाँ ओ डाल लेते हैं, ठीक ना। और इन सिरों पर, व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है हमको, तो ये स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं, ये स्पर्श रेखा खींच लिया एक, और एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच लेते हैं, ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक ना। तो इसको डाल लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक ना। तो लिख लेते हैं, देखिए ए बी लिखते हैं ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाले एक वृत्त, केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी वृत्त का व्यास है, का व्यास है, व्यास के सिरों पर, व्यास ए बी के सिरों पर, सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं पी क्यू एवं आर एस खींची गई है, ठीक ना। ये हो गया। अब देखिए हमको मालूम है कि स्पर्श रेखा, ये जो है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, ठीक ना। लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, लंब होती है, ठीक ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ओ ए लंब पी क्यू, है ना, ये लंब हो गया एवं ओ बी लंब आर एस, ठीक ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो लिखते हैं यहाँ पर एंगल पी ए ओ बराबर 90 डिग्री और क्यू ए ओ बराबर 90 डिग्री, ठीक ना। और उस प्रकार इधर भी हो जाएगा एंगल आर बी ओ बराबर 90 डिग्री, यस बी ओ बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चारों कोण 90 डिग्री के हैं, इस प्रकार ये वाला इसके बराबर हम लिख सकते हैं और ये वाला कोण इसके बराबर भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए एंगल पी ए ओ बराबर एंगल यस बी ओ, ठीक ना। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर लिख रहे हैं हम, और चूंकि ये एकांतर अंतः कोण है तो इसको भी लिख लेते हैं, एकांतर अंतः कोण है, ठीक ना। देखिए जैसे इस प्रकार ये लाइन लिखा हुआ है, अगर ये लाइन खींचा गया तो देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, मतलब ये कोण बराबर होता है, मगर ये किस प्रकार का कोण है, ये एकांतर अंतः कोण के होता है, ठीक ना। अब इसके बारे में और लिख लेते हैं, पहले लिख लें यहाँ पर, तो लिखते हैं अब ये वाला कोण क्यू ए पी क्यू ए ओ बराबर आर बी ओ, ठीक ना, ये भी एकांतर अंतः कोण है, ठीक ना। ये वाला कोण इस कोण के एकांतर अंतः कोण कहलाता है, एकांतर अंतः कोण। अब देखिए चूंकि एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, इसलिए इसलिए ये देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। देखिए कैसे होता है ये, जैसे अगर हमने दो लाइन्स, दो समांतर रेखाएं खींच दिया L और M, दो समांतर रेखाएं अगर मैं खींचा और ये एक तिर्यक रेखा N डाल दिया, ठीक ना। तो यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण होते हैं। इसी प्रकार
ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये होता है एकांत अंत कोण, ठीक ना। तो देखिए यदि, जैसे इसको लिखते हैं, यदि यल समानांतर यम, ठीक ना, तभी ऐसे नामकरण कर दें, तभी एक कोण एक बराबर दो एवं कोण तीन बराबर चार होगा, ठीक ना। यदि ये दो लाइन समानांतर हैं तभी ये एक दो के बराबर होगा और तीन चार के बराबर होगा, एकांतर अंत कोण के कारण। अगर इसी का विलोम देखा जाए, ठीक ना, तो अगर मैं बोलूं कि यदि कोण ए बराबर कोण दो एवं कोण तीन बराबर चार है, है ना, ये पहले कोण बराबर हैं, तो इससे अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, ये एक और दो के बराबर, तीन चार के बराबर, तो ये दो रेखाएं आपस में समानांतर होंगी, यल समानांतर एम, ठीक ना। देखिए ये पहले वाले में क्या बोला कि यदि यल समानांतर एम है तब ये कोण दोनों बराबर होंगे, ठीक ना। और यदि अब इस वाले विलोम में देखिए, अगर ये कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं समानांतर होंगी। इसी प्रकार ये वाला इसके बराबर, एकांतर अंत कोण बराबर हैं, और ये वाला कोण इस वाले कोण के, एकांतर अंत कोण के कारण बराबर हैं ये दोनों। अगर ये एकांतर अंत कोण दोनों बराबर हैं तो ये रेखा इसके समांतर होगी। तो इस प्रकार लिख सकते हैं पी क्यू समानांतर आर एस, ठीक ना। ये नीचे लिख लेंगे जो क्वेश्चन में लिखा है। अतः देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या लिखा है, किसी वृत्त के, किसी वृत्त के व्यास के सिरों, व्यास के सिरों पर, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, ये हो गया, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर फोर हो गया। देखिए प्रश्न नंबर छः में है, बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, देख लेते हैं, फोटो भी बना लेते हैं इसका, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे इसकी आकृति बना लेते हैं। तो देखिए ये वृत्त है, तो लिखा है प्रश्न नंबर छः में, बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो चलिए केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लिख लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन सा बिंदु है, ए, ठीक ना। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं इस बिंदु से, ये रखा है, ठीक ना, कितनी दिए रखा है, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, चलिए ये ज्ञात करना है हमको, ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक ना। तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। तो देखिए ये है, ये 90 डिग्री, जैसा कि हमको मालूम है होता है 90 डिग्री, तो इस हिसाब से ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया, ठीक ना। इसको आप कर्ण मत समझिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही कर्ण बोलते हैं, ठीक ना। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक ना। तो लिखते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए देखिए ओ बी लंब ए बी, है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो लिखते हैं एंगल ओ बी ए बराबर 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए इसके 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण है, तो लिखेंगे ओ ए स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर, ठीक ना।
तो OA कितना है 5 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर और OB हमको ज्ञात करना है। तो 5 का 25, 4 का 16 और ये OB स्क्वायर, तो लिखा OB स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 माइनस 16, इसको उधर पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया OB स्क्वायर बराबर 9। तो ये वर्ग है तो ये वर्गमूल हो जाएगा, तो करनी 9। तो इस प्रकार OB बराबर कितना आया 9 का 3 प्राप्त हुआ। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 43 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में है, लिखा है दो सकेंद्री वृत्त बना लेते हैं। ऐसे वृत्त जिनकी केंद्र एक ही हो, जैसे एक वृत्त ये बनाया, ठीक ना, इसकी ये केंद्र है, इसी प्रकार इसी केंद्र को लेकर एक वृत्त और खींचना है, एक वृत्त और खींच लिया। तो लिखा है दो सकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस बड़े वृत्त की हम जीवा खींचेंगे, ठीक ना, लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखिए एक ये जीवा खींच रहे हैं, ऐसा जीवा खींचेंगे जो इसको स्पर्श भी कर दे, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करते हुए खींचना है। अब देखिए इनकी त्रिज्या कितनी है, ये इस वाले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक ना, और ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब हमको ये पूरा ए बी ले लेते हैं, ये जीवा है। देखिए ये बड़े वाले वृत्त की ये जीवा है, मगर ये छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम करेगी, ठीक ना, क्योंकि ये वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो लिखते हैं इसको, देखिए ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब लिखते हैं ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु, यहाँ पे क्या डालें, पी डाल लेते हैं, है ना, बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श कर रही है तो स्पर्श रेखा हो जाएगी। लिखेंगे ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, है ना। तो देखिए अब स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श रेखा इस वाले त्रिज्या पे यहाँ लंब होगा, ठीक ना, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो लिखेंगे ओपी लंब ए बी, ठीक ना, तो लिखेंगे एंगल ए पी ओ बराबर 90 डिग्री। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए पी ओ में। पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा। ए ओ स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ए ओ कितना दिया है 5 का स्क्वायर बराबर ओ पी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर 5 का 25 बराबर 9 प्लस ए पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए ए पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 तो ए पी स्क्वायर बराबर 16। तो ए पी ये वर्ग है तो वर्गमूल बन जाएगा तो ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर आया। इसमें क्या हो जाएगा देखिए चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक ना। इसलिए ए पी बराबर पी बी हो जाएगा, बराबर है। इसका मतलब अगर हमको पूरा ए बी ज्ञात करना हो तो ए पी का डबल कर दें, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर 2 × AP। तो ए पी कितना है 4, तो इस प्रकार ये 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में है, ये आकृति बनी हुई है, इसको बना लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8, ये वृत्त बना है और वृत्त पर ये ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ये बन गया, ठीक ना। एक चतुर्भुज है, ठीक ना, वृत्त के परिगत में है, वृत्त के परिगत चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी डी। और वृत्त को कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहा है, पी क्यू आर एस पर, ठीक ना। तो इसमें हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना पहले देखिए लिख लेते हैं, ओ केंद्र वाला है लिख लेते हैं। माना वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जो वृत्त को बिंदु P, Q, R एवं S पर स्पर्श कर रहा है, ठीक ना, स्पर्श कर रहा है। हमको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है लिख लेते हैं, सिद्ध करना है क्या करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक ना, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करना है, देखिए यहाँ लिख लें, हल करते हैं या उत्पत्ति लिखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ए से शुरू करते हैं, देखिए ये ए है, वृत्त के बाह्य बिंदु है, बाहर बिंदु से देखिए स्पर्श रेखा खींची हुई है, ठीक ना। तो वृत्त पर ये स्पर्श रेखा खींची है तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों बराबर लंबाई की होती है, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं हम AP = AS, ठीक ना, लिखेंगे बाह्य बिंदु
बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ठीक ना, स्पर्श रेखा बराबर होती है, इतना लिख देने से ही हो जाएगा। फिर देखते हैं कि बिंदु पी बी से, देखिए बिंदु बी से भी ये दो स्पर्श रेखा खींची हुई है, ये और ये, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो लिखते हैं बी पी बराबर बी क्यू, लिखेंगे यहां पर बाह्य बिंदु बी से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ठीक ना, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब देखिए इसी प्रकार इस बिंदु से देखिए, तब भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं, इन दोनों की भी लंबाई बराबर होगी, ठीक ना। तो लिखते हैं इस पर सी आर बराबर सी क्यू, लिखेंगे बाह्य बिंदु सी से वृत्त पर स्पर्श रेखा या रेखाएं, ठीक ना, यहाँ रेखाएं भी डाल सकते हैं। फिर इसी प्रकार बिंदु डी से देखिए, तो बिंदु डी से भी स्पर्श रेखा खींची है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में, ठीक ना। तो लिखते हैं डी आर बराबर डी एस, ठीक ना, लिखते हैं बाह्य बिंदु डी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, ठीक ना। तो ये हो गया समीकरण एक, हो गया एक डालना छूट गया, एक दो तीन और समीकरण चार, इन चारों समीकरण को जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण एक दो तीन एवं चार को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो दाईं तरफ का दाईं तरफ जुड़ेगा, बाईं साइड वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, लिखेंगे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो देखिए ए, ये देखिए ए पी और बी पी को जोड़ेंगे तो ए बी प्राप्त हो जाएगा, एक बार इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर अगली बार लिख लेंगे प्लस बी पी, ये कोष्टक में डाल लेते हैं प्लस, अब सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो सी डी प्राप्त हो जाएगा, तो लिखते हैं सी आर प्लस डी आर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं बराबर, यहाँ लिखा है ए एस के संग डी एस होना चाहिए, तो ए एस और डी एस को एक साथ लिख लेते हैं, ए एस प्लस डी एस प्लस ये बी क्यू और सी क्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो ए पी और बी पी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी और डी आर को जोड़ेंगे तो सी डी आ जाएगा बराबर, ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो ए डी प्राप्त हो जाएगा, और इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो बी सी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये हमको जो सिद्ध करना था ये प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक ना, तो ये सिद्ध हो गया।